से देख करके गरुड़ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। भगवान कन्हैया ने कंस की सभा में कमल के पुष्प भिजवाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है महाराज परीक्षित। इधर एक दिन कार्तिक के महीना में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन देखा है भगवान कन्हैया ने के कुछ ग्वाल मंडली बड़े बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर पकवान लिए हुए हैं और चले आ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने घर जाकर के मैया यशोदा से पूछा है, माँ कि मैया ये आज नया आयो तो सब छुर किस लिए आज क्या है, किसका उत्सव मनाया जा रहा है, ये सुंदर सुंदर पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। ये सुधा तो चुप ही रही, बोले बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र। वो देखो अगर गाँव के घर में कोई पूजन होए कचना गाँव भैंसिया भी आ जाए तो बहू को पूजन होते हुए और कोई लला आएगा मैया मुझे भूख लगी है कछु खाने को दे दे सोई के तब जुझलन लगे दूर दूर बैठ जब तक पूजा ना हो जाए तब तक कुछ नहीं मिलेगा किसी को। पूजा मैया रूठ जाएंगी। ऐसी कोई मैया है जब लला भूखो फितो हो और माँ अपना पेट भर ले, न जाने कौन कौन सी पूजाएं चली हैं भगवान जाने। कहूं बड़ने पूजो को पटेला पूजो को सड़क पूजो को कछु पूजो को कछु पूजो और पूजा में जय बताई जाती कि भर पेट बर्फी खाओ और काव पूजा में जनाए बताई कि 100 ग्राम सूखी मिर्चे चबिले हो। अबे की फिलहाल हाल की हम बात बता रहे हैं। हमारी कथा चल रही थी काले खेत में सोनई के पास। हम मुझे मैं जी मंडावाए दोनों जने जा रहे थे सो हमने भाई सड़क पे मुड़े सो हमने लाओ खड़े है लो थोड़ी देर आराम कर ले तब चलेंगे। तो एक माता जी जा रही और उनको लड़का और संग रहे सो वो मिठाई को डिब्बा पकड़े यहाँ तबे और केला पकड़े पन्नी में सो हमसे नए रह गो। सोमने बल्लला से पूछी अमरी काय लला मिठाई को डिब्बा ले आए हो। हमने समझी के जे भागवत में जाएगी चढ़े तो हमें खाना को मिल जाए। बिना की माता जी बोली शास्त्री जी एक वो चली है हमने कहा के को नियम नौ निकरो है हमने कौन सो के देवते को मिठाई खवा हाँ दूध पियाओ और अबे की तुरंत नई खबर के बिटिया अपनी महतारी को नई धोती लेके दे। हम कथा कह के आए घरे तो एकदम हमारे घरवारी बोली के सुनतना है मनी का है के कल चलो बाजार है हमें धोती ले पायला मनी का है के चली है हमें का चली है के बिटिया भाई मम्मी को धोती दे। चलो धोतिया दे मम्मी को चले कहीं के मम्मी धोतिया दे दे बिटिया को।
नहीं अगर इनको बाजारों को करवा जाओ तो ध्यान रखियो भैया लोगों, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौट दियो, और न जेबों को पैसा बचेगो ना हमने दुकान पे ले जाए के बैठाते वही देख लो मद्दी सद्दी कोई हो दे नहीं तो है 2,500 रुपया की धोती ले मम्मी को देने के लिए बताओ। हम चिल्ला चिल्ला तो मरे जा रहे हैं, अब उनने 2,500 रुपया की धोतिया भाई मम्मी को दे दी, और जो कुछ वन से मिलो है सो बने मिलो है पैसा हमारी खर्चो भाई। बोली गोविंद भगवान की। बाबा नंद ने कहा है बेटा श्याम हम कार्तिक के महीना में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन इंद्र का पूजन करते हैं, काई को करते हैं। जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो वो हमारे यहाँ जल की बारिश करते हैं जिससे हमारे खेतों में अन्न उगता है, पहाड़ों पर घास उगती है जहाँ हमारी गाय चरने के लिए जाती है। कन्हैया कहने लगे बाबा एक बात बताओ क्या वो तुम्हारा कभी भोग खाने के लिए आया? बोले कन्हैया हमने बगे सकल उन्हें देखी। कन्हैया बोले जो खुद औरों के सहारे रहता हो वो भला हमें क्या सहारा दे सकता है, आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज से हम गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे जहां हमारी गाय चरने के लिए जाती हैं, हम उन गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। कन्हैया बोले इंद्र का पूजन नहीं करोगे इंद्र नाराज हो जाएंगे, बारिश नहीं करेंगे फिर हमारे खेतों में अन्न नहीं उगेगा। कन्हैया कहने लगे बाबा हमारी भुजाओं में वो इतनी ताकत है जो हम यमुना से पानी काट करके हम अपने खेतों तक ला सकते हैं लेकिन हम इंद्र का पूजन नहीं होने देंगे। और इस बीच में ये कुछ दान दाताओं के नाम है 50 रुपए द्वारिका प्रसाद देवरौली, 50 रुपए तिलक सिंह देवरौली, 50 रुपए मान सिंह देवरौली।